नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करें एक बड़ी खबर की, जो कि नगर पालिका से जुड़ी हुई है। दमोह नगर पालिका में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को रखा गया था। एवरब्राइट सोशल सोसाइटी दमोह संस्था के द्वारा यहां पर कर्मचारी उपलब्ध कराए गए थे। 2019 तक 20 से कम कर्मचारी थे, जिसके चलते कोई ईपीएफ जमा करना नहीं था, लेकिन नवंबर 2019 के बाद ईपीएफ जमा करना अनिवार्य था, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी। बावजूद इसके कंपनी के द्वारा कोई ईपीएफ जमा नहीं किया गया, जिसकी शिकायत कर्मचारियों के द्वारा लिखित रूप से दमोह कलेक्टर ऑफिस में की नगर पालिका सीएमओ को भी की गई थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला के द्वारा इस मामले में कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए थे। संपूर्ण मामले में जाँच भी कराई गई है। प्रारंभिक जाँच में ही एवरब्राइट सोशल सोसाइटी दमोह संस्था में काफ़ी खामियां पाई गई हैं, जिनके द्वारा कर्मचारियों के अब तक खाते नहीं खोले गए। चंद खाते खोलने के साथ ही चंद महीने पहले ही ईपीएफ डालना शुरू किया गया है। इस मामले को लेकर दमोह नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला क्या कहते हैं, ये हम आपको सुना देते हैं। हाँ, देखिए, ये तथ्य जो है अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे संज्ञान में आया है। हमारे कुछ ऑपरेटर्स ने जो है इस तरह की शिकायत प्रस्तुत की है कि उनकी जो कंसर्न संस्था है एवरब्राइट सोसाइटी, वो उनकी ईपीएफ की राशि जमा नहीं कर रही है। हमने इस संबंध में जो है अपने ऑफिस से इसकी जांच, प्रारंभिक जांच जो है कराई है, और ये तथ्य भी हमारे प्रकाश में आया है कि उसमें कुछ कर्मचारियों के ईपीएफ के खाते समय पर न खुलने के कारण ये स्थिति परिलक्षित हुई है। फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, एवरब्राइट सोसाइटी जो है उनके द्वारा ये भारी अनियमितता की गई है जो अभी संज्ञान में आ गई है। हम उस संस्था को जो है 7 दिवस का नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें हमें उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी उनके द्वारा हमें प्रति माह जो है वो दिए जाते हैं, उनका ईपीएफ खाते में आज दिनांक तक के भुगतान की गई जितनी राशि है उतनी राशि उनके खातों में जमा कराएँ और उसका बैंक डिटेल्स हमें प्रस्तुत करें। यदि ऐसा नहीं करती है तो हम उनके खिलाफ़ जो है धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराएंगे। हाँ, देखिए, चूंकि ये तथ्य बाद में प्रकाश में आया है और हमारे आउटसोर्सिंग के ठेके पहले ही हमारे द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इस तरह से अनियमितता हमारे प्रकाश में आई है, तो निश्चित रूप से हम जो है उसको, उस संस्था को जो है उसमें भी जो है हम पार्टिसिपेट करने से रोकेंगे। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब कर्मचारियों का नुकसान हो गया। आप अध्यक्ष हैं, आपने क्या किया? ये भैया जी, हम लोगों ने पहले बोल चुके थे आउटसोर्सिंग का जो पैसा जमा करने के लिए, और उनसे हमने बार बार बोला कि ये लोग फिर रहे हैं, जैसे राजेश फिर रहे हैं और भी अन्य कर्मचारी फिर रहे हैं, इनके जीपीएफ आप काटते हैं, इनके जमा कीजिए, बाकी उनने जमा ही नहीं किया। एवरब्राइट सोशल सोसाइटी दमोह के प्रमुख अयान खान क्या कहते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। 7-8 लोगों के में मैटर ये आया था, उनका आधार ऑथराइजेशन नहीं आ रहा था, तो उनका अकाउंट खुल नहीं पा रहा है। इससे उनसे हमने ये भी बात की है कि आपका जैसे ही अगर अकाउंट नहीं खुलता है तो उनका अपन पेमेंट वापस कर देंगे, और नगर पालिका जो लिया है उसका हमने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नहीं, ये अभी की बात हो गई जब ये मामला संज्ञान में आ गया। हाँ जी, हाँ जी जी, 3 वर्ष में खाते भी खुल सकते थे। 3 वर्ष नहीं हुए हैं, नवंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है, 20 और 21 दो साल का है। उसमें भी ऑपरेटरों का जो कर्मचारी का नियोक्ता का रहता है वो जमा हुआ है। हाँ जी, 8 लोग हैं जिसके अकाउंट नहीं खुल पा रहे थे, इससे दिक्कत आई है। दमोह नगर पालिका में घोटाले होना कोई नई बात नहीं है। नगरीय निकाय में हमेशा ही घोटाले पाए जाते हैं, लेकिन दमोह नगर पालिका का एक बड़ा मामला सामने आ गया है, जहां पर नगर पालिका सीएमओ भी कहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ईपीएफ जमा नहीं होता तो कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं कंपनी प्रमुख कहते हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं, लेकिन वह दस्तावेज दिखा नहीं पा रहे हैं। केवल 2 माह का दस्तावेज दिखा पाए हैं, वह भी 25 कर्मचारियों का। शेष कर्मचारियों का क्या हाल होगा? 8 कर्मचारियों की बात वह मुँह से स्वीकारते हैं कि उनके द्वारा कोई ईपीएफ जमा नहीं किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि 2 वर्षों में किस तरह से कर्मचारियों का शोषण हुआ और किसी का ईपीएफ जमा नहीं। ऐसे में देखने लायक होगा नगर पालिका कब तक ऐसे मामले से पर्दा उठा पाती है और कब तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है।
जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, तो देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।